अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। और उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे अच्छे से तवज्जो फरमाएंगे और अच्छे से क्लास को देखेंगे, और देखने के बाद अगर कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन रही, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कभी कन्फ्यूजन रहे तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ने जा रहे हैं, इसका जो पहले दो पार्ट आप पढ़ चुके हैं, अब तीसरा पार्ट जो आपके पास है वो ये है कि एक प्रॉब्लम दी गई है, जिस प्रॉब्लम का सबसे पहली चीज हमें समझने की जरूरत है। प्रॉब्लम है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800। एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम का एक कोच है, कोच ने क्रिकेट टीम के लिए 7 बैट्स लिए और 6 बॉल लिए, 3800 में लिए हैं। हमें यह समझना होगा कि 7 बैट यानी 7 बैट प्लस 6 बॉल्स की जो कॉस्ट होगी वो बनती है 3800। उसके बाद फिर क्या काम किया, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, और उसके बाद उसने 3 बैट लिए और 5 बॉल लिए यानी 5 बॉल्स ली फॉर रुपीज 1750। और अब जो उसने सेकंड कंडीशन में, हमारे पास दो कंडीशन बन गई स्टूडेंट्स यहां पर, फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि 7 बैट्स और 6 बॉल्स की जो कीमत बनती है, जो कॉस्ट बनती है, वो बनती है रुपीज 3800। और सेकंड कंडीशन में जो कीमत बनती है, जो कॉस्ट बन रही है 5 बॉल्स एंड 3 बैट्स की जो कॉस्ट बनती है वो बनती है 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि आप हर एक बैट की कीमत और एक बॉल की कीमत क्या है वो हमें चाहिए, एक बैट और एक बॉल की कीमत क्या है। यानी सबसे पहली चीज हमें क्वेश्चन को समझना है, हमारे पास दो कंडीशंस है, दो कंडीशन से सबसे पहली चीज हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है। फर्स्ट कंडीशन की एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, सेकंड कंडीशन की हमारे पास दूसरी लीनियर इक्वेशन बनेगी, उसके बाद हमें इन्हें सॉल्व करना। सबसे पहली चीज क्या करना है, इक्वेशंस बनानी है। हमें एक बैट और एक बॉल की कीमत मालूम नहीं है, तो जब हमें कीमत मालूम नहीं है, कास्ट मालूम नहीं है किसी भी, ना एक बॉल की कीमत मालूम है ना एक बैट की कीमत मालूम है, तो दोनों की कीमत जो है हम अलग अपने तरीके से ले सकते हैं। हम लिख सकते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स। हम एक बैट की कीमत एक्स के बराबर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू रुपीज वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं, हमारे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहले कितने बैट लिए, 7 बैट्स 6 बॉल्स। तो अगर एक बैट की कीमत एक्स है तो 7 बैट की कीमत होगी 7x, एक बॉल की कीमत y है 6 बॉल की कीमत होगी 6y, टोटल जो कीमत है 7 बैट्स और 6 बॉल की वो है 3800। ये होगी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या है कि 3 बैट लिए और 5 बॉल्स ली, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। तो 3 बैट की कीमत, अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, एक बैट की कीमत x है तो 3 बैट की कीमत होगी 3x, एक बॉल की कीमत y है 5 बॉल्स की कीमत होगी 5y, टोटल जो पेड किया है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स के लिए वो किया है 1750 रुपीज पे, इक्वेशन सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पहले भी मैंने समझा दिया है कि क्या करते हैं हम। सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी भी एक इक्वेशन में से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल हम ले सकते हैं। तो हम यहां लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर 7x है, 6y को ट्रांसपोज करेंगे 7x में, यहां पर हम एक्स ले लेते हैं, 3800 राइट साइड में है उधर ही रख लेते हैं, 6y को ट्रांसपोज करेंगे, यहां पॉजिटिव है यहां के निगेटिव बनेगा, -6y डिवाइडेड बाय 7 जो x का कोफिशियंट है, ये बन गया आपके पास इक्वेशन थर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो इक्वेशन थर्ड बन गई, हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में,
सेकंड में इसलिए क्योंकि ये वो वैल्यू है जो हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकली है, जब फर्स्ट से लेते हैं तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर सेकंड से वैल्यू ली होती तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक्स इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। किस इक्वेशन में देंगे स्टूडेंट्स? सेकंड में, यानी अब सेकंड में हमें एक्स नहीं लेना है, एक्स की जगह जो एक्स की वैल्यू हमारे पास है वही वैल्यू हम देंगे इक्वेशन सेकंड में। तो यहां पर हमारे पास 3 है ऐसे ही रख लिया, एक्स के साथ हमारे पास यहां पर एक्स की जगह एक्स की वैल्यू जो हमारे पास है 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7। उसके बाद यहां पर हमारे पास 5y इक्वेशन में है ऐसे ही लेते हैं इज इक्वल टू 1750। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 0 आ गया 0, 3 0 0, 3 इंटू 8 24, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 आ गया 11, 3 इंटू 6 18, तो बन गया 18y डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 11 400 माइनस 18y प्लस 7 इंटू 5 35। ठीक है स्टूडेंट्स, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 7 49 प्लस 3 52, 7 इंटू 1 7 प्लस 5 12, ये बन गया आपके पास 12250। यहां तक समझ आया होगा स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को अच्छे से। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास 35y है माइनस 18y है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि साइन बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू का लिया जाता है जब एक निगेटिव हो, एक पॉजिटिव, एक प्लस एक माइनस हो, तो बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है पॉजिटिव। 35 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 आएगा हमारे पास इज इक्वल टू 12250। हमारे पास राइट साइड में है ऐसे ही रख लेते हैं, 11400 को ट्रांसपोज करते हैं राइट साइड में, यहां निगेटिव आ जाएगा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट 17y इज इक्वल टू 0 ऐसे ही, 5 ऐसे ही ले लें, 12 माइनस 4 आ गया आपके पास 8, 1 माइनस 1 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी 17y इज इक्वल टू 850 और y इज इक्वल टू 850 डिवाइडेड बाय 17 और y इज इक्वल टू 50। डियर स्टूडेंट्स, 850 को जब 17 के साथ आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 50 मिलेगा। अब y की जो वैल्यू हमारे पास 50 आ गई, ये y की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में देंगे, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। किस इक्वेशन में देंगे स्टूडेंट्स? थर्ड में। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y। अब यहां y है लेकिन y की वैल्यू हमारे हमें मालूम है वो 50 है, तो हम y की वैल्यू 50 यहां लेंगे डिवाइडेड बाय 7, 3800 ऐसे ही रख लें, 6 इंटू 50 300 डिवाइडेड बाय 7, 3800 माइनस 300 3500 डिवाइडेड बाय 7, 35 को 7 के साथ डिवाइड करें तो आ जाएगा 5, तो बन गया आपके पास 500। तो हम लिख सकते हैं यार x इज इक्वल टू 500। अब ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, हमें x और y की वैल्यू चाहिए थी, यानी कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, तो ईच बैट की कीमत हो गया 500, हर एक बॉल की कीमत हो गया आपके पास रुपीज 50, क्योंकि हमारे पास y 50 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू रुपीज 500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू रुपीज 50। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स सभी को अच्छे से समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझना है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो मैंने पहली क्लासेस ली हैं, पहले अगर वो क्लासेस अगर आप पढ़ ले अच्छे से तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से समझ आ जाएगा। मुझे भी बार बार सब्स्टिट्यूशन मेथड रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम क्या कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का तरीका मैंने आपको दिखाया है, उसी तरीके से उसी मेथड से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आया होगा। एक क्लास में एक ही क्वेश्चन, जैसा मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं,
ये एक ही क्वेश्चन इस वजह से क्योंकि हमारे पास आज के इस दौर में नेट की फैसिलिटीज उतनी अच्छे से दस्तयाब नहीं है, अवेलेबल नहीं है कि हमारे वीडियोज हैं वह ज्यादा अच्छे तरीके से ज्यादा आसानी से अपलोड हो सके। तो आसानी से अपलोड करने के लिए हमारे पास यही एक तरीका है कि वीडियो जितना छोटा होगा उतना जल्दी अपलोड हो सकता है। इस वजह से स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।